नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, पल पल बदलती दमों की राजनीति में आज एक और बदलाव देखने को मिला है। जहां पर विधानसभा उपचुनाव में अभी तक तीसरे प्रबल प्रत्याशी की भूमिका अदा करते आ रहे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने गुरुवार को अपने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर है दमोह से, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ना था लेकिन उनके पिता और शीर्ष नेतृत्व का आदेश है, इसलिए वह अपनी उम्मीदवारी समाप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव दमोह में हुआ है। आज ये पूरा घटनाक्रम जब चला है, जब आज कमलनाथ भी दमोह आए थे, प्रेस को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ मलैया ने कहा है कि चुनाव में जो उनकी उम्मीदवारी थी उसे वह समाप्त करते हैं और प्रेस के माध्यम से यह संदेश दमोह की जनता को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिता का निर्देश और सिख नेतृत्व का जो है आदेश है वह उसका पालन अच्छे से करेंगे और पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय से इस बारे में बात हो रही थी और आज उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए जरा पूरी बात विस्तार से, उन्होंने मीडिया से क्या क्या कही है। चुनाव लड़ने की तैयारी थी, पार्टी से टिकट मांग रहे थे, पार्टी से पुनः विचार करने की बात भी रखी थी और पिताजी का आदेश है, पार्टी का के प्रति हमारी निष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी का हम काम करेंगे। अभी ऐसे अचानक से बदलाव क्यों आ गया? सिर्फ पिताजी के आदेश पर या कोई और दबाव भी था? और क्या दबाव हो सकता है? पिताजी का आदेश बहुत, उनको समझाने का मनाने का प्रयास किया और उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। पार्टी से भी अपनी बात कही, पार्टी भी अपनी बात पर कायम रहे, पिताजी भी अपनी बात पर कायम रहे, पार्टी का काम करेंगे निष्ठा से। अभी आपको निगम मंडल अध्यक्ष बनाने की भी अफवाह उड़ी थी, अफवाह है क्या हकीकत है? नहीं, ये अफवाह मैंने भी सुनी है समाचार पत्र के माध्यम से। आपको क्या लगता है, बनेंगे आप या नहीं बनेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो पार्टी ही बता सकती है, पर मैं बनना चाहता नहीं हूँ। चुनाव के लिए निगम मंडल का अध्यक्ष कोई मुझे बनाए, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है। मैं और मेरा परिवार विश्वासहीन नहीं है कि पार्टी मुझे निगम मंडल का अध्यक्ष बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी को हमारे काम में पूरा विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मान गए हैं लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो क्या मान पाएंगे? चुनाव, किसी भी चुनाव में जाएंगे तो मानने और मनाने का ही तो काम। आप मतदाता को मनाते हैं, उसको अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं और वैसे ही जो साथी कार्यकर्ता होते हैं उनको मनाने और मनवाने का काम करते हैं, यही तो चुनाव है। आपके कार्यकर्ता मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे। काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी आप? कर ली थी। उस तैयारी का क्या हुआ? उसका लाभ भाजपा को दिलाएंगे? करेंगे।